हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं आपके लिए अनअकैडमी के यूट्यूब मेन चैनल पर वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को करेंगे, राइट? तो जल्दी से आप आ जाइए फटाफट से aju.com। प्री थैंक्स फॉर दिस टॉपिक क्रूशियल टू ऑब्वियसली न्यूज ऑनलाइन। हाय हेलो, ठीक है, तो फटाफट से आए बेटा हम लोग, तब तक हम अपना पिच कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो जुड़िए आप इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ, और जो है आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है यहाँ अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? और आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पर क्या मिलेगा, आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी जहां पर आप अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और आपको स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, यानी कि एग्जाम रेलिवेंट जो सिलेबस है वही आपको करवाया जाएगा। लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेस, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सके, इवेल्युएट कर सके, और आपको सभी कोर्सेज का जो है अनलिमिटेड यहाँ पर एक्सेस मिलने वाला है, राइट? सभी सब्जेक्ट्स के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर प्रोसेस आ जाएगा सारा। तो आप रेफरल कोड अप्लाई करना, किरण1 अप्लाई करना ना भूले, तो आपको नहीं तो आपको 10% ऑफ यहाँ पर मिस हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज अबाउट मी, दिस इज माई चैनल टेलीग्राम। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, राइट? और ये जो है ये मेरा प्रोफाइल है। दिस इज अबाउट मी, 2 times यूपीएससी इंटरव्यू अपियर हुई हूँ, पॉलिटिकल साइंस और ऑप्शनल मेरा पेपर है, राइट? एंड एक्सलेंट कमांड ऑन राइटिंग स्किल, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। एंड देर आर 100+ टॉप एजुकेटर्स फॉर यू, एंड आईएएस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग एंड मच एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आर अवेलेबल फॉर यू, राइट? वेरी गुड इवनिंग रिंकी, वेरी गुड इवनिंग गौरव। फटाफट से आ जाइए आप यहाँ पर, देखिए आपके लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी से लेकर एडवांस, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको कराया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? ये आपके लिए 2 plan अवेलेबल हैं, प्लस और आइकॉनिक। 1 month से लेकर 3 साल तक अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो आप जो है 1 साल 2 साल 3 साल किसी में से भी जा सकते हैं, ताकि आप अपने आप को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सके, राइट? तो आप मेरा रेफरल कोड याद रखें, किरण1, या आप अप्लाई करेंगे तो आपको इमीडिएट ऑन द स्पॉट 10%, यानी कि 90,000 से आपका सीधा 9,000 रुपए जो है यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है? 3 साल तक जो है आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, इन केस अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं क्लियर होता है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। आइकॉनिक कोर्स बहुत ही स्पेशल है, एकदम यूपीएससी फोकस्ड है, क्योंकि इसमें आपको एक पर्सनल कोच हमारी तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सबको। और आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है एक पर्सनल कोच के तौर पर मैं भी आपकी गाइड के लिए रहूंगी, राइट? तो आपके पास 2 coach हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस तरीके से जो है आप अपने तैयारी को बूस्ट करेंगे, 10% ऑफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट? और ये ऑप्शनल, अब जो है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल स्टडीज खुद पढ़ लेते हैं, ऑप्शनल के लिए चाहिए होता है, क्योंकि ऑप्शनल बहुत टफ पड़ता है, वैसे तो जीएस भी काफी टफ पड़ती है, तो आप इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, ये अलग या ये अलग, ठीक है? आप खाली ऑप्शनल पेपर भी पढ़ सकते हैं, ये भी 1 साल से 3 साल के प्लान आपके लिए विद्यमान है यहाँ पर। आप मेरा कोड अप्लाई करें और 10% ऑफ, 1 साल तक आप 24,000 रुपए में जो है आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 साल तक पढ़ते रहेंगे, जो बहुत जरूरी होता है, राइट? चलिए हमारा टॉपिक फाइनली स्टार्ट हो गया है, ठीक है? तो वर्ल्ड हिस्ट्री का आज हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये देखिए, मशीनीकरण हुआ, मशीन साई, क्वेश्चंस देखें, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ज्यादा नॉलेज की है तो हमें जरूरत है नहीं, ठीक है? बस हमारा पेपर पास हो जाए, हमें एग्जाम रेलिवेंट नॉलेज हमें यहाँ पर मिल जाए, और हमें कोई यहाँ पर जानकारी खासी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये इस तरीके का जो है मशीने, जो ये कातने बुनने की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में जो है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो देखिए आपका ये वाला चैप्टर आज हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है आज ये,
फर्स्ट चैप्टर है। थोड़ा सा आराम से अब बैठिए, आराम से कूल माइंड करके हम लोग जो है आज अपना क्लास करेंगे, राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है ये टॉपिक, राइट। देखिए, बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि 18th सेंचुरी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये हुई तो इंग्लैंड में थी, ठीक है। तो इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसी इवेंट पढ़ते हैं हम जिनका इम्पैक्ट ग्लोबल सोसाइटी पर था, पूरे वर्ल्ड पर जिन इवेंट्स का इम्पैक्ट पड़ा है उसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट मानते हैं। वो हुई तो है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, लेकिन उनके जो इम्पैक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, दे आर ग्लोबल इन नेचर। दैट्स वाई दे आर कैटेगराइज्ड एज सेपरेट चैप्टर और सेपरेट टॉपिक एज वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में आज हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इवेंट्स, फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी फ्रॉम 18th सेंचुरी, लाइक वर्ल्ड वार, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ओके, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो इवेंट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस, ठीक है। इसीलिए हम इसको पहले पढ़ेंगे, और इसके बाद आप देखिए जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तो यहाँ से दो क्वेश्चन अब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आए हैं। तो पहला क्वेश्चन 15 में पूछा गया था, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में ही क्यों आई, आज इसको जानेंगे हम, ठीक है। कल मैंने जब आपको स्ट्रेटजी बताई थी, तो मैंने बताया था कि मैं कल बताऊंगी कि क्यों हुई थी ये इंग्लैंड में। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल देयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो किस तरीके के चेंज आए थे, तो इस चीज को हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट में, ठीक है। तो उसके जो इम्पैक्ट हुए थे वो पढ़ेंगे, एंड हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट, राइट। तो उस समय जो है किस तरीके से हम इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन जो है नहीं था, राइट। और उसके बाद एक 13 में क्वेश्चन आया था कि लेट कमर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व सर्टेन फैक्टर्स दैट वर मार्कली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वेस्ट हैड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो जापान में जो है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेट आई थी। देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती क्या है, एंड इट वाज अनइवन, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो अनइवन था, यानी कि असमान था, कहीं पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट था और कहीं पर इसका कम इम्पैक्ट था, राइट। अच्छा, हैप्पी बर्थडे कौन बोल रहा है मुझे? आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है, है? कुछ भी चलेगा, कुछ भी, है ना, कुछ भी चला देते हैं, राइट। ये इस तरीके का जो है हमारा सिस्टम यहाँ पर रहा है, ठीक है। तो अभी हम जो है कुछ, मैं आपको थोड़ा सा लिख के भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत कैसे होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की फीचर्स क्या थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिए, पीपीटी आगे मैंने बनाई है, डरना नहीं है। कभी आप ये सोचो कि मैडम तो अब लिख के पढ़ाने लगी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्री मॉडर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो प्री मॉडर्न यूरोप क्या था, या प्री मॉडर्न सिचुएशन क्या थी, प्री मॉडर्न कंडीशन, और एक तरफ यानी कि वर्ल्ड लिख लीजिए, प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या था और यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड क्या था, ठीक है। क्यों माना जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मॉडर्न वर्ल्ड की फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप मॉडर्निटी को भी जान पाएंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड की जो है फीचर्स क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है इकोनॉमी सिंपल हुआ करती थी। तो इकोनॉमी कैसी थी, सिंपल इकोनॉमी थी, और इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। कौन सी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और एग्रीकल्चर में भी कुछ खास जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हुआ करती थी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर थी, तो ये एक लाइफस्टाइल हुआ करता था इकोनॉमी। मॉडर्न में क्या हो गया, ठीक है। तो मॉडर्न में जो था, मॉडर्न में क्या हुआ, मॉडर्न में किस तरीके से हुआ, है ना। तो मॉडर्न में क्या आया, मॉडर्न में आया टेक्नोलॉजी बेस्ड,
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द मॉडर्न फीचर्स, तो आप इससे अलग करेंगे ना, तो आप सबसे पहले फीचर्स लिखेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड, इन मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी इज देयर। तो टेक्नोलॉजी है आज, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसका मतलब सिंपल इकोनॉमी थी, और सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी, राइट। और दूसरे नंबर पे लिखिए यहाँ पर नो टोकन करेंसी, ठीक है। कोई करेंसी भी यहाँ पर नहीं थी, बार्टर सिस्टम हुआ करता था, नो पर्टिकुलर करेंसी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो है करेंसी सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है, जिसने ट्रेड को बूस्ट किया, ठीक है। और ट्रेड को बूस्ट किया तो क्या आया, यहाँ पर कैपिटलिज्म आया, ठीक है। तो कैपिटलिज्म भी मॉडर्निटी का बहुत बड़ा सिंबल है, राइट। ये भी बहुत बड़ा सिंबल है, राइट। बेटा पढ़ने वाले बच्चे रहे यहाँ, बिना बात की बातें अगर आप करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, इसलिए पढ़े, क्योंकि दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, राइट। तो आप क्वेरीज लिखिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बिना बात से दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है बेटा, बच्चे अपना टाइम निकाल के पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो टाइम इज मनी, राइट। तो टाइम मनी होता है, राइट। और उसके बाद चलिए, ये तो इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ कैसा था, ठीक है। और यहाँ तो यहाँ हुआ करता था मोनार्की, ठीक है, मोनार्की सिस्टम। और यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो गया, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी, राइट। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। यहाँ पर सोसाइटी में क्या होते थे, कस्टम्स, रिचुअल्स बेस्ड। तो यहाँ पर डोमिनेशन ऑफ रिलीजन हुआ करता था, राइट। और यहां पर सोसाइटी कैसी हो गई, यहां पर सोसाइटी हो गई लिबरल, लिबरल सोसाइटी हो गई, यानी कि इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को इंपॉर्टेंस देने वाली, तो लिबरल सोसाइटी होगी। और जो है यहाँ पर ह्यूमैनिज्म आया, मानवता बड़ा धर्म हो गया, मतलब मानवता, यहाँ पर रिलीजन की ज्यादा इंपॉर्टेंस ही थी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, ठीक है। या जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे वो रिलीजन पर बेस्ड हुआ करते थे, और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन थे। क्या थे वो, मैन मेड जो है कॉन्स्टिट्यूशन थे, यानी कि मैन ने बनाए, ठीक है। तो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर मैंने आपको मॉडर्न वर्ल्ड की जो है कुछ फीचर्स बताई हैं, क्या फीचर्स हैं मॉडर्निटी की, ठीक है। तो क्यों हमें मॉडर्न जो है इसको काउंट करते हैं, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या था और मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, तो मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया। यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम सिंपल और ट्रेडिशनल हुआ करता था, एग्रीकल्चर बेस्ड होता था, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी है, ठीक है। यहाँ पर कोई टोकन करेंसी नहीं, यहाँ पे करेंसी सिस्टम आ गया, ट्रेड आ गया, कैपिटलिज्म आ गया, पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्की हुआ करता था, यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक आ गया। और उसके बाद सोसाइटी जो है, यहाँ पर कस्टम और रिचुअल्स हुआ करता था, यहाँ पर सोसाइटी लिबरल हो गई क्योंकि कैपिटलिज्म आया, तो ऑब्वियसली लिबरल होगी। और यहाँ पर रिलीजन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे, और यहाँ पर मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ह्यूमैनिज्म और लिबरल, ठीक है, डेमोक्रेटिक, यानी कि मॉडर्न चीजों को जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई। मैं पूरा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री करवाऊंगी, यस। अभी जो है आज से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो गई। मैं आपको जो है एंशियंट पढ़ा चुकी हूँ, मॉडर्न इंडिया पढ़ा चुकी हूँ, और मिडाइवल इंडिया की सीरीज हमारी ऐप पर चल रही है, जो मेरी मॉर्निंग में क्लास होती है। उसके बाद मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, अब मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करी है, ठीक है। तो अब हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चलेगी, तो सबसे पहले ये जानना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरीके का जो है मशीनीकरण हुआ था, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। तो आप यहाँ पर समझिए कि जो
मॉडर्न जो हिस्ट्री है जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं वो बेसिकली क्या है? तो मॉडर्न हिस्ट्री इज बेसिकली हिस्ट्री ऑफ द स्टोरी ऑफ ट्रांजिशन, इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जब कोई बदलाव होता है, ठीक है, जब एक चीज से दूसरी स्टेज में कुछ बदलाव होता है तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं, राइट? तो ये एक ट्रांजिशन फेज होता है, ए ट्रांजिशन फेज फ्रॉम प्री मॉडर्न टू मॉडर्न, ठीक है? तो प्री मॉडर्न इरा टू मॉडर्न इरा, राइट? तो इस तरीके की चीजें आप मेंस में लिख सकते हैं, राइट? और ये आपको ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस ट्रांजिशन के रीजन क्या थे? ये जो बदलाव आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, जो बदलाव आया था, तो इसके रीजन क्या क्या थे, ठीक है? तो ये हम आगे जो है पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, क्या 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 कारण थे। आज हम कारण पर फोकस करेंगे, राइट? सबसे पहले आप देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता क्या है। एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता दूं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन लार्ज स्केल थ्रू मशीन्स, थ्रू मशीन्स, राइट? तो मशीनों के द्वारा एक बड़े पैमाने पर वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ उसे क्या कहा गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एंड इट टुक प्लेस इन इंग्लैंड, ठीक है? अब ये इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, यहाँ पर कौन से फैक्टर्स अवेलेबल थे, क्या चीजें हुई, किन चीजों ने जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया था, ये चीज पढ़ेंगे। रखे द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ये यूज की गई थी, इट वाज यूज्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर्स। तो यूरोपियन स्कॉलर्स ने इसको इस्तेमाल किया था, जॉर्ज मिचलेट फ्रांस के स्कॉलर हैं, उन्होंने इस वर्ड को, इस टर्म को कॉइन किया। एंड फ्रेडरिक एंजल्स ने जर्मनी, जर्मनी में जो थे, ठीक है? तो ये मार्क्सिस्ट हैं, एंजल्स मार्क्सवादी हैं, मार्क्स के विचारों को प्रमोशन देते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो है इस टर्म को यूज किया गया। एंड इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड बिटवीन 1760 टू 1820, ओके? तो 1760 से लेकर 1820 के बीच में जो भी औद्योगिक विकास के जो चेंज हुए इंग्लैंड में, उन सब चेंजेस को, उन सब बदलावों को, उन सब डेवलपमेंट को क्या नाम दिया गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। इज दैट क्लियर टू यू, राइट? ठीक है, तो देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स इन इंग्लैंड। खाली इंग्लैंड पर ही प्रभाव नहीं पड़े हैं, बल्कि पूरे जो है इसके ग्लोबल जो है इम्पैक्ट हुए हैं। तो इसके इम्पैक्ट कैसे कैसे हुए हैं हम ये भी देखेंगे, इसके कॉजेस क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है? राइट, तो सिमिलर चेंजेस अकर्ड इन यूरोपियन कंट्रीज। तो जो चेंज इंग्लैंड में हुए वही यूरोपियन कंट्रीज में हुए, यूएसए में हुए, राइट? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ दीज कंट्रीज, ऑब्वियसली, ठीक है? तो सोसाइटी पर भी बदलाव आया और इकोनॉमी पर भी बदलाव आया, एंड ऑल्सो ऑन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है? तो ये हमारा यूपीएससी के सिलेबस का जो है पार्ट कंप्लीट हो रहा है कि किस तरीके के इम्पैक्ट। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि एक इवेंट थी इकोनॉमी के फील्ड में, ये इवेंट हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, लेकिन इसने व्यक्ति के जीवन के जो है सोशल लाइफ को भी इम्पैक्ट किया, पॉलिटिकल लाइफ को भी इम्पैक्ट किया, ठीक है? साइकोलॉजिकली भी जो है इसको इम्पैक्ट किया, राइट? तो हर वॉक ऑफ लाइफ, एवरी वॉक ऑफ लाइफ वाज इम्पैक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पूरे वर्ल्ड को जो है इसने इम्पैक्ट किया था, राइट?
दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंग्लैंड इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, ये हमारे जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन था कि इंग्लैंड में ही ऐसा क्यों हुआ, कि व्हाई द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड, क्यों हुआ इंग्लैंड में ही, इस चीज को हम लोग बेसिकली यहाँ पर चलेंगे. तो यहाँ पर जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएटेड बेसिकली विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, तो एक बहुत बड़ा फीचर आप लिख सकते हैं कि द बिगेस्ट रीजन अकर्ड इन इंग्लैंड इज द डिस्कवरी ऑफ न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी. तो एक बहुत बड़ा रीजन था इंग्लैंड में ही जो है इसके डेवलप होने का, कि यहाँ पर नई मशीनरी और टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट हुआ था. दैट्स व्हाई इट अकर्ड इन इंग्लैंड, राइट. एंड दीज मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स, और इसी से जो है गुड्स का उत्पादन बढ़ गया, उन्हें मैसिव स्केल, उन्हें लार्ज मैसिव यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर बढ़ गया. कंपेयर्ड टू हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज, उस टाइम पे क्या हुआ करते, हथकरघा, हथकरघा हुआ करते थे, हाथों से जो है टेक्सटाइल बनाए जाते थे. आपने देखा होगा कि हाथों से जो है कपड़े लत्ते वगैरह बनाए जाते थे, तो वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, तो इस फील्ड में जो है मशीनों के आने से एक रिवोल्यूशन आ गई, एक एक्सट्रीम लेवल का चेंज आ गया जिसने पूरे जीवन को बदल कर रख दिया, राइट. देर वर चेंजेस इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज भी बेसिकली कौन सी डेवलप हुई थी, कॉटन की और आयरन की. तो कॉटन से यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है. तो आपने पता था विदेशी कपड़े आते थे, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कंट्रोल किया था तो ब्रिटिश जो है टेक्सटाइल्स आया करते थे, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी. जब हमारा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चलता था, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो हमारा स्वदेशी मूवमेंट हो, और चाहे हमारा वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, के सभी जब मूवमेंट चलते थे तो स्वदेशी अपनाओ, तो यहाँ पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी. क्यों जलाई जाती थी, क्योंकि जो ये टेक्सटाइल होते थे यहाँ पर बड़ी जबरदस्त जो है इंडस्ट्रीज बनी थी, और यहाँ से जो है टेक्सटाइल्स को सप्लाई किया जाता था. ठीक है, अब देखो स्टीम अ न्यू सोर्स ऑफ पावर. ठीक है, तो स्टीम इंजन बन गया था. ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगी, एक जो है चीज आप यहाँ पर और समझिए, क्या समझेंगे आप यहाँ पर देखो, जो एक बड़ा रीजन है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर देखो इमरजेंस के क्या कारण थे. ठीक है, तो एक इमरजेंस का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हो गई थी. ठीक है, भौगोलिक खोजें हो गई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई यानी कि मैप वगैरह बना लिए गए, और इंग्लैंड ने नेवी की खोज कर ली, नेवी बना ली, बहुत स्ट्रॉन्ग, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी इंग्लैंड के पास थी. ठीक है, और डिस्कवरी जब हुई तो सी रूट खोजे गए. ठीक है, और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, नई नई भाप के इंजन की खोज हो गई थी. तो यहाँ पर क्या हुआ, इंग्लैंड में मशीनें बन गई, चलो सारा कुछ हो गया. ठीक है, तो इंग्लैंड को जो है अपने तैयार माल को बेचने के लिए किस चीज की जरूरत थी, एक तो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, कच्चे माल की जरूरत थी, और दूसरी उसको चीज क्या चाहिए थी, मार्केट चाहिए थी, ताकि वो अपना तैयार माल बेच सके, क्योंकि सारा का सारा माल, इंग्लैंड की तो पॉपुलेशन बहुत कम थी. ठीक है, तो इस चीज ने जो है आगे किस चीज को बढ़ावा दिया, कोलोनियलिज्म को. तो इन्होंने क्या किया, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, अपने प्रॉफिट को डेवलप करने के लिए एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ठीक है, कॉलोनीज बनानी शुरू करी थी. ठीक है, तो देशों को गुलाम करना शुरू कर दिया, राइट. तो देशों को जब गुलाम करना शुरू किया तो इनको जो है मार्केट यहाँ मिल गई. इन्होंने जो है इन देशों के वहां की इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से जो है बर्बाद कर दिया, और अपने तैयार माल को जो है ये यहाँ, तो तभी तो नील की खेती करने के लिए भारत में मजबूर किया जाता था, अफ्रीका से दास स्लेव खरीदे जाते थे, है ना, फिर उनको अमेरिका के प्लांटर्स को बेच दिया जाता था जहां पर इनके प्लांटर्स हुआ करते थे, नील की खेती पर मजबूर किया जाता था, क्योंकि जो ये नील होता था ना,
जो इंडिगो होता था उससे ये यहाँ लाकर अपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी ना उससे कपड़ों की रंगाई किया करते थे, राइट। तो इस तरीके का जो है इनका हुआ करता था सिस्टम। तो स्टीम अ न्यू सोर्स ऑफ पावर, राइट। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, नेवी और साइंटिफिक डिस्कवरीज, राइट। तो साइंटिफिक डिस्कवरी में ही आता है एक स्टीम इंजन, ठीक है। तो स्टीम, भाप, ए न्यू सोर्स ऑफ पावर, जिसको जो है शक्ति का एक नए स्रोत के रूप में देखा गया। इससे पहले जैसे पावर के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, ऑयल, केरोसिन, ठीक है, गैस, तो ये सारी चीजें जो है हुआ करती थी, जो पावर का सोर्स होती थी मशीनों को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर स्टीम को खोज दिया गया। देखिए स्टीम किससे बनती है, वाटर से बनती है, और वाटर तो हर जगह फ्री में इतना सारा अवेलेबल है, पूरा टेम्स रिवर पर लंदन, ठीक है, तो चारों तरफ से समुद्र से ही घिरा हुआ है, तो लंदन में पानी की तो कोई कमी है नहीं इंग्लैंड में। तो स्टीम जो कि एक नया सोर्स ऑफ पावर और जो कि सस्ता एकदम फ्री वाला, ठीक है, तो ये यहाँ पर खोज लिया गया। बिगेट टू बी यूज ऑन ए वाइड स्केल इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो इसके आने से तो और भी ज्यादा जो है क्रांति आ गई थी, राइट, एक रिवॉल्यूशन आ गया। तो इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इज, ठीक है, तो ब्रिटेन में स्टीम इंजन की जो है खोज ने भी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने में काफी हेल्प करी, राइट। इट्स यूज लेड टू फास्टर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप्स एंड रेलवेज, ठीक है। तो भाप जो पावर का इस्तेमाल किया गया, तो भाप इंजन रेलवे में लगाए गए। आपने देखे होंगे पुराने जमाने में भाप के इंजन होते थे, कोयला वगैरह डाला जाता था तो भाप से चलते थे, ठीक है। और शिप, तो इससे क्या था, वो जल्दी आ जाते थे, उनकी स्पीड बढ़ गई क्योंकि पोल्यूशन कम हुआ इन चीजों से। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रेटर प्रोस्पैरिटी फॉर सम, बट इन द इनिशियल स्टेजेस मेनी पीपल इंक्लूडिंग वेमेन एंड चिल्ड्रन हैड एक्सपीरियंस्ड पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। तो हर तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली थी। तो एक तरफ प्रोस्पैरिटी थी, तो दूसरी तरफ वेमेन और चिल्ड्रन को बहुत एक्सट्रीम लेवल का पॉवर्टी कंडीशन जो है, वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी हुआ करती थी। दिस स्पार्क्ड ऑफ प्रोटेस्ट एंड द गवर्नमेंट वाज फोर्स टू इनेक्ट लॉज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वर्किंग, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्राइक्स की गई, ठीक है, बंद लगाए गए। तो गवर्नमेंट ने जो है वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या किया, उन प्रोटेस्ट से डर के वर्किंग कंडीशंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए प्रोटेस्ट जो है लॉज बनाए, राइट। तो वहां पर कानून यहाँ पर बनाए गए, लेबर लॉस यहाँ पर लाए गए, राइट। अब देखिए कॉजेज फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कारण क्या थे, रीजंस जिनको बोलते हैं, रीजंस कारण, ठीक है। ये आपका जो है आंसर है, जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में डाला था, जो यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, कि इंग्लैंड में ही क्यों हुई, राइट। तो ये एक रीजन है, इनको मैं पूरा हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एक तरीके से आप एक स्क्रीन शॉट भी इसके लिए ले सकते हैं आप, ठीक है, दिक्कत नहीं आने वाली है कुछ। तो सबसे पहले तो देखो जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, देखो आप जनरली यूपीएससी का जो है आप कैरेक्टर समझिए एग्जाम का। इंडिया में पूछा, ठीक है, तो इंडिया में पूछा जाता है कि बताइए पानीपत के युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए, यहाँ पे पूछ लिया बताइए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों हुई, ठीक है। तो एग्जाम नो लेवल, नो डाउट जो है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट वी हैव टू डेवलप सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूपीएससी, तभी जो है हम इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो आपको ये समझना है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रही है तो वो वहीं पे क्यों हो रही है एग्जैक्टली, ठीक है, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, उसके रीजंस जो है खुद आपको सोचने पड़ेंगे, राइट, तभी आप उनके जो है कॉजेज निकाल पाएंगे। तो इंग्लैंड का देखिए आप, एंड एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए आप इंग्लैंड की, ठीक है, तो पूरा लोकेशन देखिए, अमेरिका की तरफ भी जा सकता है, एशिया की तरफ जा सकता है, और पूरे यूरोप की तरफ जो है उसकी पूरी कमांड है। तो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंग्लैंड की, दैट फेवर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन दैट एरिया। भाप इंजन आ गया,
कमर्शियल फैसिलिटीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, लाइटिंग आ गया, नई नई रिवॉल्यूशंस, नई नई डिस्कवरीज जो है इंग्लैंड में हुई, इंटेलेक्चुअल्स लोग यहाँ पर थे, साइंटिस्ट लोग यहाँ पर थे, तो ऑब्वियसली जो है वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना लाजमी सी बात है, राइट। तो सबसे पहला उसका जो भौगोलिक जो उसकी अवस्थिति है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंग्लैंड की, वो उसके लिए बहुत एडवांटेजियस है, ठीक है। द प्रेसिडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, ठीक है, तो यहीं पर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन भी हुई थी, यानी कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, राइट। तो टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर भी जो है आगे चलकर यही चीज इंडस्ट्री में बदलते हुए देर नहीं लगी, राइट। न्यू इन्वेंशंस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, सबसे पहले नई नई खोजें और मशीनरी कहाँ पर आई, इंग्लैंड में आई। द एंटरप्राइजिंग स्पिरिट ऑफ ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स, देखिए ये सबसे बड़ी चीज है, राइट। ये जो सबसे बड़ी चीज है क्या, कि उनकी जो स्पिरिट है, जो ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स थे, जो वहां के बिजनेस टाइकून थे, दे आर हैविंग एंटरप्राइजिंग स्पिरिट। तो कुछ भी होता है ना तो वो स्पिरिट से होता है, मान लो, ठीक है। मान लो अगर हम राइट, ठीक है, राइट। तो स्पिरिट सबसे बड़ी चीज थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, काफी सारी कंपनीज इन लोगों ने बना ली, तो एक एंटरप्राइजिंग स्पिरिट थी यहाँ के लोगों में के अंदर, जिसका सबसे जिसका बड़ा कारण था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुई। तो ये चीजें जो मैंने आपको, ये जो 5-6 पॉइंट आपको बताए, अगर आप ये भी आंसर में लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। और ग्रोथ ऑफ कैपिटल इन इंग्लैंड, तो ऑब्वियसली जो है, देखिए जॉन लॉक जो थे, जिन्होंने लिबरलिज्म के लिए विचारधारा दी थी, वो ब्रिटिश ही थे, ठीक है। तो वो ब्रिटेन के ही थे जिन्होंने इस चीज को अपने देश के लोगों को समझाया था कि व्यक्ति लिबरल होना चाहिए, उसके पास रीजन होता है, राइट। कॉलोनियल पोजिशन ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के पास कॉलोनीज बहुत थी इंपॉर्टेंट, और खासकर इंडिया जैसी कॉलोनीज थी इसके पास, ठीक है, जो बहुत रिच और प्रॉस्पेर थी, यानी कि ऐसा जहां से इनको रॉ मटेरियल भी मिल सके और जहाँ एक बहुत अच्छी मार्केट जो इन चीजों को खरीद भी सके, अफोर्ड भी कर सके, तो एक बहुत ही आइडियल कॉलोनीज इन लोगों के लिए अवेलेबल थी, राइट। विच सप्लाइड रॉ मटेरियल्स एंड सर्व्ड एज मार्केट्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, इनके पास एक कॉलोनियल पोजिशन हुआ करता था, किसी और को जो है ये मार्केट में एंट्री नहीं देते थे, तो ये सारी चीजें, ये सारे रीजंस अवेलेबल थे, एंड दीज कॉजेस, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, राइट। तो इंग्लैंड में ही ये हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड में ही ये सारे कारण विद्यमान थे, ठीक है। तो इस तरीके के कारण जो थे, ये इंग्लैंड में होने की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई। ये आपके यूपीएससी के क्वेश्चन जो पूछा था 2013 में, उसका ये आंसर है। तो अब आप सोच लीजिए, आगे जब फ्यूचर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो कारण हम अब इसको ना एक एक करके जो है ना मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो साइंटिफिक इन्वेंशन सबसे पहले, वैज्ञानिक खोज भी कह सकते हैं इसको, और वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वेषण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। टेक्सटाइल मशीनरी, राइट।
टेक्सटाइल मशीनरी होता है, वस्त्र उद्योग में जो मशीनरी होती है, तो वस्त्र उद्योग में मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। द प्राइमरी कॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज द साइंटिफिक इन्वेंशंस, जो कहां पर हुई, इंग्लैंड में हुई। ठीक है। द अर्लिएस्ट मैकेनिकल इन्वेंशंस केम इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जो सबसे पहले जो मशीनें बनी थी, स्टार्टिंग वाली जो इन्वेंशंस हुई थी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फील्ड में हुई थी। स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब होता कातना। ठीक है। तो स्पिनिंग वॉज द स्लोएस्ट प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, राइट। तो अब यहाँ पर मशीनें आ जाती हैं। तो द इन्वेंशन ऑफ फ्लाइंग शटल बाई के जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, 1733 में इम्प्रूव किया विविंग को, यानी कि जो बुनाई हुआ करती थी। ठीक है। तो एक फ्लाइंग शटल बनाया इसने, एक मशीन का नाम है, जिसने बुनाई को क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, यानी कि उसमें थोड़ी सी स्पीड आ गई। इसके अलावा 1764 में हार्ग्रीव्स जो है, ये भी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने स्पिनिंग जेनी को जो है इन्वेंट किया, और इस मशीन, ये मशीन जो है एक साथ 8 धागों को स्पिन कर सकती थी, एक साथ, ठीक है, 8 धागे स्पिन कर सकती थी। तो ये स्पिनिंग जेनी जो है आई, जिसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। ठीक है। क्यों पढ़ाऊं जल्दी जल्दी, वाई ऐसा नहीं होगा? ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट है जो पहली बार मेरी क्लास कर रहे हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, और ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा। तो जल्दी जल्दी मैं किसी एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं चलती हूँ, मैं सबका सोचती हूँ कि सबको बेसिक से पढ़ाऊं। गार्गी शुक्ला, राइट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, आर्क राइट इम्प्रूव्ड द स्पिनिंग जेनी। तो फिर ये 8 धागे काटता था, तो आर्क राइट भी एक साइंटिफिक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको और इम्प्रूव किया। फिर कॉम्पटन ने इसको और ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। ठीक है। तो मैं दिखाऊंगी आपको एक मशीन, ठीक है, तो उसमें देखना आप, राइट। इन 1785 कार्टराइट इन्वेंटेड द पावर लूम। ठीक है। विटनी जो कि एक अमेरिकन थे, उन्होंने इस प्रोसेस को और ज्यादा स्पीडी कर दिया विद अ कॉटन गिन विच ऑटोमेटिकली रिमूव्ड सीड्स फ्रॉम द फाइबर ऑफ द कॉटन। मतलब एक ऐसी टेक्निक इन्होंने, एक ऐसी मशीन की खोज करी, इन्वेंशन की खोज करी। आपने देखा होगा कि जो कॉटन होता है, कॉटन को जब चुना जाता है, मतलब पौधे से जो कॉटन का पौधा होता है, तो उसमें कुछ सीड्स होते हैं, है ना, तो वो इस सीड्स को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता था। तो सोचिए कितना टाइम बच गया, तो काम स्पीड से होने लगा। ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने एंटर करी, मशीनों ने एंट्री करी, तो यहाँ पर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। पावर लूम का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से आप कोई मशीन चला दो। एक तो होती है अभी आप उसको हाथ से चला रहे हैं, ठीक है, या किसी इंजन वगैरह से, या भाप से, स्टीम से। पावर लूम का मतलब होता है जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से रन करने वाला कोई मशीन आपने लगा दी, राइट। इन्वेंशन ऑफ सीविंग मशीन बाय, ठीक है, तो सिलाई मशीन आई थी। सोचिए ये सिलाई मशीन आप जानते हैं, जो 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 ये सिलाई मशीन आई, ये इलियास होवे, जो सिलाई लड़कियां सीखती हैं, लड़के भी सीखते हैं, राइट। तो ये सीविंग मशीन जो है, ये इलियास होवे ने बनाई थी 1846 में, सिलाई मशीनें, है ना। अब तो बिजली से भी चलने वाली मशीनें आ गई हैं, बड़ी मशीनें भी आ गई हैं। ठीक है। मेरी एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, ठीक है, मेरी क्लास में बेटा पढ़ना हो तो ही आए, ठीक है, हाय हेलो बोलने के लिए ना आए, राइट।
मुझे वो बच्चे ही नहीं है पढ़ने वाले, मुझे बस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए जो मुझे डाउट पूछे, दैट्स इट। ठीक है, तो टाइम पास करने मत आया करो बेटा। ठीक है, सिर्फ पढ़ने आओ आप, दैट्स इट, बिकॉज आई एम यूपीएससी एजुकेटर। तो पढ़ने वाला ही बच्चा आ जाए तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ये है बेटा, ठीक है, ये तेज तरीके के, ये ये उस टाइम की मशीनें, ठीक है, दीज आर द मशीनरीज। ठीक है, ठीक है, तो ये किसी तरीके, ये टेक्सटाइल को जो है, उसके बाद जो है यहाँ पर आता है स्टीम इंजन। ठीक है, तो स्टीम इंजन तो सबसे बड़ी, ठीक है, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, टेल मी हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। टेल मी, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन प्रोवाइडेड द प्रैक्टिकल सोल्यूशन, द फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टीम टू मशीनरी वॉज मेड बाई जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने बनाया था स्टीम इंजन को। ठीक है, इसने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बहुत डेवलपमेंट करने में हेल्प की थी। वेरी गुड, वेरी गुड, जेम्स वॉट, राइट। ही डिवाइज्ड द फर्स्ट क्लोज्ड सिलेंडर विद अ पिस्टन पुश्ड बैक एंड फोर्थ बाय स्टीम। ठीक है, तो ये तो इसका वर्क है। दिस हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन टेक्सटाइल मशीनरी। तो स्टीम इंजन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज, ताकि कपड़े का जो कलर होता है वो भी खराब नहीं होता, राइट। नहीं बेटा, जेम्स वॉट ने किया था, राइट। और सबसे बड़ी एक एक रीजन मैं आपको बता दूं, जानते हैं आप, यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, कूल माइंड के होते हैं, बहुत कूल माइंड रखा करें आप। राइट, तो पर्सनालिटी भी बहुत कुछ बोलती है, तो आपका पर्सनालिटी ही आपको डिसाइड करता है। ठीक है, तो अपनी पर्सनालिटी बेटा अच्छी बनाए पढ़ने वाली, राइट। इसके बाद देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का यानी कि जो यातायात के साधन थे, परिवहन का विकास।
एक ही बात है। देर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली ये तो पता ही होगा। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन द ब्रिंगिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज एंड ऑन द डिस्पोजिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन अ वाइड मार्केट। तैयार माल वहां से ले जाओ, एमएस धोनी की तरह, बिल्कुल बिल्कुल राइट। उसके बाद देखिए 17th सेंचुरी लेट जब शुरू, तो हाईवेज बहुत पुअर थे। ए पैक हॉर्स वाज द ओनली पॉसिबल मीन्स ऑफ ट्रेवल ऑन लैंड, ठीक है, तो घोड़े को जनरली यूज किया जाता था। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होता है, इंटरनेट हो गया जैसे आपका, ठीक है, आपके सेलफोन हो गए, आपका पोस्टल सिस्टम हो गया, फोन हो गए, टेलीफोन हो गया, जो ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है, तो भी आगे पढ़ाऊंगी वो भी आपको। और उसके बाद जॉन मैकडम थे जिन्होंने हार्ड सरफेस्ड रोड बनवाए थे, मतलब हार्ड होने चाहिए, मतलब कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट मटेरियल को यूज करके जो है, ताकि जल्दी से वाहन चल सके, है ना। तो सोचिए ये चीजें एकदम बेसिक से ये शुरू हुई है इंग्लैंड में, तो सोचिए एक कंक्रीट मटेरियल बना के सरफेस रोड भी जो है इंग्लैंड में हुआ, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड में ये सारे रीजंस डेवलपमेंट के ऑलरेडी वहां पर थे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन होता है जिसे संप्रेषण, ठीक है। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस आर मच डिपेंडेंट ऑन रैपिड एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली, है ना। कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन जितना फास्ट होगा, जितना इजी अवेलेबल होगा, तो ये चीजें बिजनेस डील्स जो है उतनी इजी से बढ़ेंगी। बिफोर द परफेक्शन ऑफ टेलीग्राफ, करियर पीजंस एंड सेमफोर्स वर द स्पीडियस्ट मेथड्स अवेलेबल। अच्छा, सेमफोर्स क्या होता है? ये करियर पीजंस और सेमफोर्स क्या होते हैं बताओ मुझे, पता है आपको क्या होते हैं ये, बताओ मुझे एक बार, देखा है इनको, जानते हो इनके बारे में? सिग्नल बताया किसी ने? कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं, क्यों नहीं पता? ठीक है, ये भी नहीं पता आपको? ये तो इतना सिंपल है, गाना भी बना हुआ है हमारी इंडस्ट्री में इसके ऊपर, तो कबूतर। ये सिग्नल ऑपरेशन होता है बेटा, सिग्नल भेजना, सिग्नल ऑपरेशन से, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो है मेथड, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का नाम है। कैसा नहीं है कि खाली कबूतर भेज दिए गए। इसके बाद देखिए, द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डिपेंडेड अपॉन अर्लियर बेसिक रिसर्चर्स मेड बाई फैराडे। ये नाम आप याद रखो, फैराडे, वोल्ट, एम्पियर एंड फ्रैंकलिन, जो ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी को जो नापते हैं ना एम्पियर में, करंट को एम्पियर में मापते हैं, वोल्ट में कितने वोल्ट बिजली, तो ये सारे ही ये बंदों के नाम है, फ्रैंकलिन,
फैराडे, वोल्ट, एम्पियर, ये बंदों के नाम है, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इन चीजों की रिसर्च करी, तो इनके नाम पर ही उनके नाम रख दिए गए, यूनिट यूनिट, जैसे वोल्ट यूनिट हो गई है ना, एम्पियर, तो ये बंदों के नाम थे। इट वॉज इन्वेंटेड इंडिपेंडेंटली इन जर्मनी, इंग्लैंड एंड द यूएस बाई स्टेनहेल, वॉटसन एंड मोर्स, ठीक है, तो इन सब ने जो है इसको खोजा था। समझ में आया राइट? उसके बाद देखिए, टेलीग्राफिक इक्विपमेंट वाज वाइडली इंस्टॉल्ड आफ्टर 1845। तो टेलीग्राफ भी, टेलीग्राफ क्या होता है, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ क्या होता है, टेलीग्राम चैनल का पता है? टेलीग्राम पोस्टल, पोस्टल सिस्टम, पोस्ट भेजते हैं, लेटर, ठीक है, तो वो सारी टेलीग्राफिक इक्विपमेंट ही होते हैं राइट। एक केबल, केबल समझते हो आप, केबल, तार, वायर के फॉर्म में, केबल का मतलब होता है एक ऐसी वायर जिससे कम्युनिकेशन, केबल लगती है ना, कि उन्होंने केबल लगवा लिया, कम्युनिकेशन वायर जो होती है, वो अलग तरीके की वायर होती है, उसमें कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसे जैसे वायरलेस फोन होते हैं, या वायर वाले जो फोन होते हैं, लैंडलाइन जो फोन होते हैं, तो वो केबल से जुड़े हुए होते हैं, केबल। तो केबल फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप वाज लेड अंडर द अटलांटिक ओशन इन 1866। तो सोचिए, अटलांटिक ओशन में जो है केबल को बिछा दिया था, अमेरिका और यूरोप को जोड़ दिया। देखिए, देश तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे, आप देखिए ये क्यों आज डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं, सोचिए, ठीक है। और एशियन कंट्रीज को देखिए, चाइना को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, बस आपस में लड़ते ही रहते हैं राइट। द पेनी पोस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1840। तो पोस्टल सिस्टम किया गया। द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन टू एड इंटरनेशनल मेल सर्विस, है ना, जैसे आज हम मेल करते हैं, पहले उस टाइम पे पेपर की फॉर्म में भेजा जाता था, आज तो ये मेल सर्विसेज होती है पोस्टल, अब क्या आ गया, अब ई मेल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग, ईमेल, जो ईमेल का तो पता होगा ना आपको, वो वाली चीज, ठीक है। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में, ठीक है, कि एक जगह बैठकर आदमी दूसरी जगह बात कर ले, ठीक है। तो ग्राहम बेल जब इसने फोन बनाया था, तो इसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो, उसका नाम था हेलो, इसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था, हेलो, तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड का ही नाम जो है बोला, तो इसीलिए ऐसा सुना है मैंने, ठीक है, और पढ़ा भी है कि इसीलिए कोई फोन करता है तो हेलो बोला जाता है राइट। तो अब हेलो को थोड़ा सा शॉर्टकट जमाना चला हुआ है, तो हेलो को काट कर जो है अब हाय पर आ गए हैं, हाय हेलो, ठीक है। तो जो ये हेलो वर्ड है कि फोन करेंगे तो हेलो बोलना है राइट, तो ये जो एक दूसरे को एड्रेस करना कि टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, हेलो हाय, तो ये सारी चीजें जो है ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। हाँ लाइटिंग इन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल एक्टिविटीज, अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब होता है कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ, एंड कल्चरल परस्यूट। आर्टिफिशियल लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो आर्टिफिशियल लाइट भी यहां पर लाई गई। 1784 में बर्नर बनाया गया, जो ऑयल लैंप्स आए, विच वॉज लेटर यूज्ड केरोसिन लैंप्स, बर्नर आए। स्टोव देखा आपने, स्टोव, स्टोव जलाया जाता था ऑयल से, बर्नर होते थे।
गैस फॉर आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड वाइडली यूज्ड बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। डेवी, डेवी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो गैस को भी यूज किया गया था, साइंटिस्ट है एक। 1821 में इन्होंने इलेक्ट्रिक आर्क पर काम किया था, और एडिसन, ठीक है, तो एडिसन ने 1879 में इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। जानते हैं जो ये एडिसन थे, तो इन्होंने जो ये बल्ब है, ठीक है, और बल्ब के बाद जो है फिर ये जो आप एलईडी घरों में देखते हैं, ट्यूब लाइट्स होती हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, क्योंकि ओरिजिनल लाइट तो सन की होती है, ठीक है, तो फिर आप देखिए अब रात भी जो है सन की तरह ही हो जाती है, इन लाइटों में इतनी रोशनी होती है कि ये एकदम दिन 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 सा निकाल देते हैं, तो पता ही होगा आपको, है ना। तो ये आर्टिफिशियल लाइटिंग की जो खोज हुई थी, इल्यूमिनेशन, तो इसको जो है खोज किया गया। देखिए एलईडी में इनमें गैस फिल किया जाता है, ठीक है, उस हिसाब से, राइट। उसके बाद देखिए आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, लोहा एवं इस्पात, हिंदी में इस्पात कहते हैं स्टील को, ठीक है, इस्पात। द कोल एंड आयरन इंडस्ट्रीज रिप्लेस्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ वुड, वाटर एंड विंड इन 1709। डार्बी, डार्बी एक साइंटिस्ट का नाम, इंट्रोड्यूस्ड कोल फॉर चारकोल इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, तो कोई भी ब्लास्ट करना है तो वहां पर चारकोल का इस्तेमाल जो है किया जाने लगा, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का। जॉन स्मिटॉन इन्वेंटेड द ब्लास्ट फर्नेस विद अ रोटरी फैन फॉर द न्यू मशीनरी, ए बेटर ग्रेड देन ऑर्डिनरी कास्ट आयरन वाज नीडेड, ठीक है, तो यहाँ पर लोहे का जो इस्तेमाल होता था, तो लोहे से और भी यानी कि उनको गलाने वलाने के लिए, ठीक है, उनके आइटम्स बनाने के लिए, मशीनें बनाने के लिए, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, राइट। हेनरी कोड एंड पीटर ऑनियंस, ऑनियन ये प्याज नहीं है, ये नाम है बंदे का, इन्होंने पडलिंग एंड रोलिंग प्रोसेस, जो साइकिल वगैरह बनी थी ना, पडलिंग समझते हैं आप, पेडल करना, पडल, ठीक है, और रोलिंग घुमाना, तो ये सारे प्रोसेस 1740 में स्टील वाज प्रोड्यूस्ड एट सेफील्ड बाय हंट्समैन। उसके बाद जो है बेसेमर इन्वेंटेड ए फास्टर एंड ए चीपर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील। द फर्स्ट आयरन ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड, ब्रिज बनाए गए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप यहाँ पर किया गया, ठीक है, और फिर जो है शिप बनाए गए लोहे के, राइट। अब सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या हुआ, सोसाइटी कैसे बदली, देखो इसका जो इम्पैक्ट हुआ था, इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सबसे बड़ा जो रीजन था वो क्या हुआ, मैंने देखो अभी आपको पढ़ाया भी था, डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीयकरण का बढ़ावा को जो है काफी विकास हुआ, तो अर्बनाइजेशन बढ़ा, ठीक है, और जो है यहाँ पर कैपिटलिज्म बढ़ा, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, तो इम्पैक्ट, ठीक है, और जो है वर्ल्ड इकोनॉमी बूस्ट, राइट, सोशल एंड कल्चरल लाइफ वाज चेंज्ड, राइट। और इसके अलावा देखिए आप एम्प्लॉयमेंट, स्पेशलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आया, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक
ठीक है, प्रोफेशनलिज्म आया, राइट, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, है तो वहीं पर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजीज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, और खराब चीजें भी हुई, डिमेरिट्स भी आई कुछ, तो बुरे प्रभाव क्या पड़े, डिमेरिट्स या बैड इम्पैक्ट क्या आए, बैड इम्पैक्ट ये आए, पॉल्यूशन आया, ठीक है, तो पॉल्यूशन आया, और इसके अलावा कॉलोनियलिज्म आया, कॉलोनीज बढ़ाई गई जिसे इंपीरियलिज्म कहते हैं, ठीक है, देश गुलाम हुए, साम्राज्यवाद आया, ठीक है, और टेंशन आई, और टेंशन आ गए क्या, वर्ल्ड वार हुए, ठीक है, फिर उसके बाद ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से, ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट, तो बहुत है इतना आज के लिए, ठीक है, राइट, तो जिस स्टूडेंट को तैयारी करनी है वो मुझे यहाँ पर मैसेज कर दे बेटा, और दिस इज मेरा, ये मेरा कोड है, ठीक है, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए आप अच्छे से, जिसका कोई डाउट है वो मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर दे, राइट, ओके।